सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद, वीओएस 24 न्यूज़ से। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी सिगनिया चौक पर। यहाँ पर के जो कुछ निवासी है, इन लोगों की मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ रही है। रमज़ान में रोज़ा रख करके पानी का दिक्कत देख रहे हैं, कितना उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, रमज़ान का महीना है, पानी की कितनी दिक्कत है आप देख कर के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर बूढ़े भी है, चचा भी है। अब सोच रहे हैं यहाँ पर चापाकल नहीं होने की वजह से, एक ही चापाकल है उसी में पूरे मोहल्ले का पानी जाता है। बहुत सारे जगहों में देखेंगे वो जल नल जो सेवा है वो बिल्कुल फेल है। कितना दिन से दिक्कत हो रहा है? बहुत रोज से, जब से लगाया तब से पानी नहीं आ रहा। नहीं। अच्छा, जब से लगाया इसे लगा के चला। घर में लगा हुआ है? हाँ है, लगा हुआ, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, कितना दिक्कत हो रहा है? हाँ, पानी हम लोग बाजार से ले जा रहे हैं। बाजार से? एक ही चापाकल है यहाँ पर। एक ही चापाकल है। क्या नाम हुआ बुआ? आफिया। कहाँ घर है? कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा पानी का दिक्कत है। अच्छा, हाँ, चापाकल एक ही गो है? एक ही गो है पूरे चौक पर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? जल नल वाला सेवा जो सरकारी योजना जो जारी कर दी है, कहीं ना कहीं जो है क्या है वो? कुछ नहीं है इधर, कहाँ कुछ है। एक जल घर योजना है ये नहीं है कोई। अभी इलेक्शन जो होने वाला है नगर निगम का, कोई भी प्रत्याशी आते है क्या लगता है मधुबनी की समस्या दूर हो पाएगी? कोई भी प्रत्याशी आते हैं तो उम्मीद तो है। उम्मीद है? हाँ, वोट करेंगे तो उम्मीद तो है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हो चाचा? मोहम्मद इलियास। कहाँ घर हुआ आपका? सिगनिया चक बोवाड़ा। इतना जो दिक्कत हो रहा है, क्या चापाकल नहीं है या नल उल नहीं है आप लोग घर में? सरकार ने लगाई है जल नल का योजना किया हुआ है, सब जगह घर घर किया, कमीशन के जरिए में पाल आ रहा है। अच्छा, और क्या करेगा आदमी? पब्लिक पीटेगा, उसको मारेगा, हल्ला गुल्ला करने जाएगा, मार करना है। अच्छा, रोजा में तो काफी परेशानी हो रही होगी? रोजा में नहीं, अंदीना भी परेशानी है। रोजे का तो छोड़ दीजिए, अंदीना ही परेशानी है। एक ही चापाकल है? एक ही चापाकल है, पता लगा दे कहीं पर क्या हुआ चापाकल है। अब पूरे मोहल्ले का पानी यहीं से लिया जाता है? यहाँ से नहीं, गुजर टोली कहाँ है, आखिरी टोला जाइए आप, दरगाह चौक का आदमी यहीं पर आता है। कदम कदम कुआं लग जाओ वहाँ से आदमी आता है, एमर चले जाओ तो मछली भजा के वहाँ से आदमी आता है। 12-24 घंटा ही पेप चालू है। क्या दिक्कत है? पानी का बहुत इतना दिक्कत है कि कहार मचा हुआ है। अच्छा, पानी उनी से बहुत दिक्कत कर रहा है। तो जल नल जो है आप लोग यहाँ लगा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पैपों पर कुछ नहीं बिछा हुआ है, इतना कुछ भी नहीं। पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या कहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? वही कि पानी थोड़ा पानी उनी हो जाए, बहुत सब दिक्कत हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है कुछ कहे के लिए। आकार मचा हुआ है, पोखर में नहाना पड़ता है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद अली। क्या सही में ये दिक्कत है क्या पानी का? नहीं, पानी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कल से सब पानी लेता है, घर घर दिक्कत है। घर घर दिक्कत है ना? जी, तब आता है। हाँ, तब आता है, घर घर दिक्कत है। नल वल लगा उसमें पानी आता है? नहीं आता, हम लोग कोड़ी नहीं आता, पगी टोला वहाँ आता है। अच्छा, कहीं आता है कहीं नहीं आता? जी। अच्छा, तो कितना दिन से ये पानी का यहाँ दिक्कत चल रहा है? यहाँ लगभग जितना दिन से ये कल है उतना दिन से चल रहा है। एक ही चापाकल है यहाँ पर? यहाँ पे एक ही चापाकल है। यहाँ पर चापाकल के नहीं, घर सब में टनकी जो है ना नल लगाया जाए, ये मांग हम कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं एक चापाकल दिया जाए। जी, ग्रामीण की एक ही मांग है कि सरकार की तरफ से जो योजना है जल नल का, वो योजना घर घर पहुंचाए और पानी पहुंचाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीका से एक ही चापाकल है यहाँ पर सिंगनिया चौक पर, सिंगनिया चौक में, तो कम से कम अगर एक दो चापाकल और हो जाए तो यहाँ पर के जो लोग हैं, यहाँ पर के जो निवासी हैं, उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप खुद गौर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और 18 रमज़ान चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए व्यूअर्स 24 न्यूज़। मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद।